हेलो एवरीवन, वेलकम इन ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। सो आज के सेशन में आपका हम हिमाचल प्रदेश का जो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराने जाएंगे, ठीक है। सो हिमाचल का जो आपका ईडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, हिमाचल का जो आपका ईडीओ का एग्ज़ाम था उसका एनालिसिस हम आज के सेशन में रखेंगे। एंड ये जो एग्ज़ाम था आपका, ये 6 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया, ठीक है। अभी 2022 के अंदर 6 अप्रैल को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उसके पेपर के बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे आज के सेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन विद अवर फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो उससे पहले आपने अगर हमारे कोर्सेज अगर आप अवेल करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी आपका इफको एजीटी का प्री मेंस और इंटरव्यू का आपका कोर्स है वो आपका 2099 रुपीज़ में अवेलेबल है आपको, ओके। यहाँ पर आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपको प्री प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल कम्प्लीट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जो आपके 20 लेंथ ऑफ फुल लेंथ ऑफ टेस्ट सीरीज़ है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं, साथ में आपके क्वेश्चन बैंक्स हो गए एंड आपके ओल्ड पेपर्स, ओके। सो ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें प्रोवाइड करा जाता है, ओके। तो इसके लिए अगर आपके लिए जो आपको कोर्स चाहिए तो आपको कोड यहाँ पे दिया हुआ है, कूपन कोड आप लगा सकते हैं इफको 20, जिसमें आपको इंस्टेंट जो है 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। अगर आपको कोई भी और आपको कुछ जानना है या कुछ भी आपको क्वेरी है तो नंबर व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे जो है व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को विद अवर फर्स्ट स्लाइड, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाइड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग मंथ एंड ईयर इन विच द लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन रिवाइव्ड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश में पहला क्वेश्चन आपका ये था कि हिमाचल प्रदेश में अगेन कौन से ईयर में जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रिवाइव्ड की गई थी, ठीक है ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका जुलाई 1963 के अंदर जो है ये आपका अगेन आपका रिवाइव्ड हुआ था, ठीक है ना। तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम देखेंगे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ न्याय पंचायत आफ्टर 1972-73 इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन सारी स्टेटमेंट से ये पूछा कि टोटल जो आपके न्याय पंचायत थे, ठीक है, वो कितने थे, कब, 1972 के और 73 से, ठीक है, 72 और 73 के बीच में जब इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में तो वो कितने थे, ठीक है ना। सो इसका आंसर है दैट इज योर 2038 दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2016-17 का, वो आपका जो है उसने क्या बोला था कि दैट इंडिविजुअल इनकम ऑफ द स्टेट इंक्रीज इन 2015-16 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है, यानी जो आपकी 2014-15 में आपकी इनकम आती थी उसके कंपैरिजन में जो इंडिविजुअल इनकम है यानी पर पर्सन की जो इनकम है वो उसमें क्या देखी गई है, ठीक है, पर पर्सन की इनकम में आपका प्रॉफिट या इंक्रीमेंट देखा गया, इंक्रीज हुई है। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज्ड फ्रॉम द ऑप्शन, वो बोल रहे हैं कितने परसेंट आपका, उसने बताया कि पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे 14-15 के कंपैरिजन में जो आपकी 15-16 में था तो उस टाइम पे हर एक इंडिविजुअल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। अब वो पूछा कि कितने परसेंट आपने बताना है इन सब में से वो इंक्रीज हुई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज योर 9.1% जो है आपका वो इंक्रीज हुआ था, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द सोलंग पास इज लोकेटेड, ठीक है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में जो सोलंग पास है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है आपका कुल्लू में, याद रखना हिमाचल प्रदेश में सोलंग पास है, सोलंग पास कहाँ पे है, कुल्लू के पास आपका लोकेटेड है, यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो हिमाचल प्रदेश की वहाँ पे लोकेट करता है। नाउ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश विच हैज़ द लोएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, सबसे कम जो क्या है शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, अगर आप देखोगे किसके सेंसिस के अकॉर्डिंग 2001 के अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो सबसे कम देखने को मिलती हैं, वो कौन सी जगह है आपकी, तो वो है आपकी कुल्लू, ठीक है। कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की वहाँ पे आपको जो शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है किसके सेंसिस के अकॉर्डिंगली 2001 का जो सेंसिस हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखोगे आप तो यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो आपको कम देखने को मिली है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश, अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हिमाचल प्रदेश में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इट हैड ओनली वन रेंज इन 1971 विद हेडक्वार्टर इन शिमला, कि उसकी सिर्फ एक ही रेंज है जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है,
या वन और मोर रेंजेस वॉज क्रिएटेड इन 1973, एक से ज़्यादा रेंजेस क्रिएट की गई 1973 में, और जिनके हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया, धर्मशाला रखे गए, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में वो ये बोल रहा है। थर्ड स्टेट में हम देखेंगे तो द न्यू रेंज हैड फाइव डिस्ट्रिक्ट्स अंडर इट, कि जो न्यू रेंज आपकी बनी थी उसमें फाइव डिस्ट्रिक्ट जो थे उनके अंडर में थे। तो अगर आप देखोगे इसके अकॉर्डिंगली, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन नंबर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कि इट हैड ओनली वन रेंज इन 1971 एंड हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन शिमला, ठीक है, उसकी एक ही रेंज थी और उसका जो हेडक्वार्टर था वो शिमला में लोकेटेड था। नाउ द बाटा रिवर विच इरीगेट्स द फ्लैट रीजन ऑफ सरमोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, अब सबसे पहले कौन सी रिवर है, बाटा रिवर जो है ये आपकी जो हिमाचल प्रदेश में किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है ना, तो ये आपकी फ्लो करती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ओके, ईस्ट टू वेस्ट जो है इसका क्या रहता है, फ्लो रहता है। नाउ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द जीरो आर, अब जीरो आर के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कि द टाइम या द मेंबर या द मेंबर सॉट आउट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द टाइम विद द स्पीकर बिफोर हैंड, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है जीरो आर के लिए, या फिर इट इज़ द प्रिगोरेटिव ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है, ये एक आपकी प्रिगोरेटिव है रूलर पार्टी का, या लीडर जो है आपकी क्या रहता है अपोजिशन में रहता है, या इट इज़ अ काइंड ऑफ अ विप, या वेन अ मेंबर और मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट रेज अ मैटर विदाउट गिविंग एनी प्रियर नोटिस, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या आएगा कि जो आपका जीरो आर होता है इसमें यही होता है कि जब मेंबर या आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स क्या करते हैं किसी भी मैटर में आपका क्या वो आपका उस मैटर को उठाते हैं बिना किसी नोटिस के, ठीक है, वो आपका क्या होता है जीरो आर होता है। वेन मेंबर और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रेज अ मैटर, कोई भी मैटर उठा देते हैं विदाउट गिविंग एनी प्रियर नोटिस, नोटिस नहीं मतलब बिना नोटिस दिए ही वो क्या करते हैं उस मैटर को उठा देते हैं, तो ये आपका होता है जीरो आर के अंदर, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, ठीक है, सो देखो यूएसए, तो यूएसए का जो सिंबल है दैट इज योर गोल्डन रॉड, ठीक है ना, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर आप देखोगे नॉर्वे, नॉर्वे का जो सिंबल है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, लॉयन। वहीं फ्रांस का देखोगे तो वो है आपकी लिली, और वहीं ऑस्ट्रेलिया का देखोगे तो वो है आपका कंगारू, ठीक है ना, ये आपको याद होने चाहिए कि किसका मतलब कौन सा सिंबल था, आप याद रख सकते हो, ठीक है, देख लो इसमें से, दैट इज ये आपका फर्स्ट का है, ठीक है ना। नॉर्वे अगर आप देखोगे तो ये आपका सेकेंड का है, और अगर आप ये देखोगे ऑस्ट्रेलिया का तो ये आपका फोर्थ हो गया और ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है ना। वहीं हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियर टेस्ट बैन थ्योरी, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है न्यूक्लियर टेस्ट बैन थ्योरी के लिए, कि जो साइंड हुई थी ये आपके यूएसए ब्रिटेन एंड यूएसआर एंड चाइना के बीच में, या फिर ये आपकी साइन हुई थी किस किस के बीच में, ठीक है ना, दैट इज़ योर यूएसए ब्रिटेन एंड यूएसआर, या फिर यूएसए यूएसआर चाइना कनाडा जापान चाइना एंड यूएसए। तो याद रखना जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन थ्योरी थी, सबसे पहले तो ये थ्योरी कब आई थी, 1963 के अंदर आई थी, और ये जो थ्योरी है ये आपकी साइन हुई थी यूएसए ब्रिटेन यूएसएसआर, ठीक है, जो आज की डेट में क्या है आपका रशिया है, ठीक है, तो इन तीनों के बीच ये जो आपकी न्यूक्लियर टेस्ट बैन थ्योरी है ये आपकी क्या हुई थी, साइन हुई थी। नाउ आशीष कुमार ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सेल्ड इन द शॉट इन द स्पोर्ट ऑफ, जो आशीष कुमार हैं आपके कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, वो किसके मतलब किससे रिलेटेड हैं, आपको देखोगे हिमाचल प्रदेश की, सबसे पहले तो आशीष कुमार कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, तो वो बोल रहे हैं कि वो एक्सेल्ड है मतलब कौन से स्पोर्ट से वो बिलोंग करते हैं बेसिकली, तो याद रखना आशीष कुमार जो है वो बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, ओके। नाउ अगर हम नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फीमेल लिटरेसी इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द सेंसिस 2011, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फीमेल लिटरेसी से लेके कहाँ की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड, कि इट वॉज बिलो द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो क्या होता है हमेशा जो फीमेल लिटरेसी जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से में बिलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉपरेशन जो SCO है इससे रिगार्डिंग आपका कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। सो देखो कौन सा स्टेटमेंट इससे इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है ना, सो इसमें आपका जिससे आ गया है आपके
ओके सो वो ये बोल रहा था शंघाई कॉपरेशन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो क्या वो 1998 में बनी थी या उसके अंदर 4 मेंबर्स आए थे जब वो क्रिएशन उसका क्रिएशन हुआ था, या उसके अंदर 8 मेंबर्स हैं प्रेजेंटली। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है जो आपका SCOS दैट इज शंघाई कॉपरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर आपके 8 मेंबर्स आते हैं प्रेजेंटली। अगर आप देखो कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ईशान उदय स्कीम लॉन्च्ड बाय द UGC बाय प्रोवाइडिंग दैट इज UGC बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है किसके लिए, जो आपकी दैट इज ईशान उदय स्कीम है, ठीक है, लॉन्च किसने की थी, UGC ने करी थी, किसके लिए, ताकि जो आपकी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो मतलब फ्री स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाए। अगर हम देखेंगे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है कि इट इज़ डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज, जो इंडिया के ट्राइबल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए थी ये आपके जो ये है, ठीक है, दैट इज़ स्कीम थी। या फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे सो दैट इज़ योर कि इट इज़ डिज़ाइन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ओनली इन इंडिया, ठीक है, कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए थी। या फिर द टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज 10,000 एंड द नंबर ऑफ सीलिंग ऑफ फैमिली इनकम दैट इज इनकम स्टूडेंट फैमिलीज इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जो आप करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ईशान उदय स्कीम, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए थी। एंड साथ ही साथ इसके अंदर जो अमाउंट था, ठीक है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स थी वो कितनी थी, आपके 10,000 की थी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी एंड सी, ठीक है, ये बोथ जो है आपके वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं व्हेन वाज द गांधी जी, इसमें स्पेलिंग गलत है, दैट इज गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम वाज एक्सेप्टेड बाय खिलाफत कमेटी, ठीक है, जो उनकी आपकी नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम था वो खिलाफत कमेटी ने किस टाइम पे एक्सेप्ट किया था, तो याद रखना वो आपके May 2020 के अंदर एक्सेप्ट करा था गांधी जी ने, मतलब जो गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो खिलाफत कमेटी ने May 1920 में एक्सेप्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टोटल डिपेंडेंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑन द एग्रीकल्चर इन 1951, अगर वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो टोटल डिपेंडेंस थी किसकी, जो आपकी इंडियन पॉपुलेशन थी वो कितने परसेंट क्या थी इस पर डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पर, तो वो है आपकी कितने परसेंट, 82.3% क्या है ये आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ओके वही हम नेक्स्ट देखें द टाउन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट सेलिब्रेट दशहरा, मतलब कौन सा ऐसा प्लेस है हिमाचल प्रदेश का जो दशहरे को सेलिब्रेट नहीं करता है, सो वो आपका कौन सा प्लेस है इन सब में, जैसे कांगर हो गया, कुल्लू दैट इज हमीरपुर या फिर बिलासपुर, तो याद रखना जो आपके कांगर है ये आपका ऐसा स्टेट है कहाँ का, HP का, जो क्या शायद सेलिब्रेट नहीं करता है दशहरे को, सेलिब्रेट नहीं करता है। नाउ आइडेंटिफाई कैथरीन जॉनस्टन करेक्ट प्रोफेशनलिज्म एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि शी इज़ द हेड ऑफ द टीम विच वर्कड फॉर फाइंडिंग आउट अ वैक्सीन फॉर COVID-19 फॉर द फिट्जर कंपनी इन USA, ठीक है, वो बोल रहा है कि ये जो आपकी पर्सन है ये किस चीज़ से एसोसिएट करती हैं कैथरीन जॉनस्टन। सो आप देखोगे कि क्या वो एक हेड थी, मतलब हेड थी कि टीम की जो उसने क्या करी थी, वैक्सीन ढूंढी थी COVID-19 की उनको जो फाइजर कंपनी है USA की उसके लिए, या फिर शी इज़ एन एमिनेंट मैथमेटिशियन इन NASA, वो एक मैथमेटिशियन है नासा में, ये ग्रेट लिंग्विस्टिक है, नोन फॉर 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, यानी वो उनको 15 अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोलना आता है। या शी इज़ अ प्रोफेसर इन फिजिक्स, फिजिक्स की प्रोफेसर थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सो याद रखना जो आपकी कैथरीन है ये आपकी एमिनेंट मैथमेटिशियन है कहाँ के अंदर, नासा में, ओके नासा के अंदर ये मैथमेटिशियन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सैंड्रा डे ओ दैट इज कॉनर, वो कौन है अगर आप देखोगे that she is appointed as a first woman to appointed as a justice of Supreme Court of USA, कि वो आपकी पहली वुमेन थी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब अपॉइंट की गई थी। वहीं कि वो शी इज़ द अमेरिकन टू विन 8 गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, एक अमेरिकन थी जिन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। या शी वॉन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, उनको नोबल प्राइज़ मिला था कहाँ पर, लिटरेचर के अंदर। या फिर क्या बोल सकते हो आप, दैट शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन हु वॉकड इन टू द स्पेस, कि वो पहली अमेरिकन थी जिन जो कहाँ पे स्पेस में आपकी जो चली थी या चली गई थी, ठीक है ना। सो इसके सब के अकॉर्डिंग में अगर आप देखोगे तो वो कौन थी, फर्स्ट वुमेन अपॉइंट की गई थी एज अ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द रिवर
दैट इज़ सुबानसरी ऑफ इंडिया इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, सुबानसरी जो है कौन सी रिवर, मतलब सुबानसरी रिवर जो है वो किस कौन सी जो ट्रिब्यूटरी है, कि नहीं किसकी ट्रिब्यूटरी में आती है, तो ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा जो है इसकी ट्रिब्यूटरी के अंदर सुबानसरी आती है, तो ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम देखेंगे जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये आपका किसका फीचर देखने को मिलता है आपको, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो फीचर है आपका ये एडल्ट एंड निम्फ दोनों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर विच इज जनरली ऑब्जर्व इन एडल्ट एज वेल एज इन योर निम्फ। नाउ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ फायरेला इज मोर हार्मफुल, फायरेला की कौन सी स्टेज जो होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो याद रखना उसकी जो दोनों ही स्टेज है दैट इज योर एडल्ट एंड निम्फ, ठीक है, ये दोनों ही स्टेज आपकी कैसी रहती है, उसकी जो स्टेजेस हैं वो हार्मफुल रहती हैं। वहीं हम अगर नेक्स्ट देखें, इसमें एक चीज़ आपकी गलत हुई है कि आपका जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है वो बोला गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म कौन से ऑर्डर का है, ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शंस जो हैं वो आपके रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है, ये इसमें ऑप्शंस नहीं आएंगे, ऑप्शंस आपके ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपके डिफरेंट ऑर्डर जैसे हेमिप्टेरा, डायप्टेरा, राइट, एंड आपके कोलेप्टेरा, आइसोप्टेरा, तो याद रखना जो पॉलीमॉर्फिज्म फीचर है ये आपका आइसोप्टेरा का है, वो ऑर्डर पूछ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जो आपका स्टेजेस है, स्टेजेस जो है आपकी पायरेला की वो कौन सी सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो एडल्ट एंड निम्फ ये दोनों ही स्टेजेस आपकी क्या रहती हैं, हार्मफुल रहती हैं, ठीक है ना। बेसिकली पायरेला अगर है आपका तो पायरेला की सिर्फ निम्फ स्टेज हार्मफुल होगी, ठीक है, ओनली द निम्फ स्टेज इज हार्मफुल, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। पायरेला की कौन सी स्टेज हार्मफुल होती है, निम्फ होती है, और आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपका आइसोप्टेरा ऑर्डर को, मतलब आइसोप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें आप ऑब्जर्व करते हो, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, विच फॉर कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेल स्टेरिलिटी इज यूज, ठीक है, आपने मेज में क्या करना है, कमर्शियल हाइब्रिड प्रोडक्शन करना है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है मेज का, तो आप कौन सी मेल स्टेरिलिटी का यूज़ करते हो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए मेज में, वो है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ओके, यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ करके आप जो है क्या कर सकते हो, कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हो मेज के अंदर। नाउ जिप्सम, जिप्सम अब किसके अंडर में आता है, जिप्सम कौन से आपके एग्जाम्पल है, एग्नियस का, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक है, तो आप याद रखना जिप्सम इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। नाउ केसी मेहता इज एसोसिएटेड विथ, सबको पता है केसी मेहता कौन से उससे एसोसिएट करते हैं, दैट इज योर सीरियल रस्ट इन इंडिया, ठीक है ना, रस्ट से कौन एसोसिएट करता है आपके, केसी मेहता। वहीं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूज्ड फॉर सेलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल, कौन सा वर्ड एसोसिएट करता है सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल के लिए, वो है आपका कालर, ठीक है, यानी आपका जो कालर वर्ड है ये किससे एसोसिएट करता है, सेलाइन एंड योर एल्केलाइन सॉइल के लिए। नाउ फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गार्लिक क्लोव्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर एक इज, जो आपके गार्लिक के क्या होते हैं, क्लोव्स होते हैं ना गार्लिक के, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ एज वेल एज उनके किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गार्लिक के जो क्लोव्स होते हैं उनके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 13 से 14 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, 13 to 14। वहीं हम देखें ग्लैडियोलस, अगर आप ग्लैडियोलस को देखोगे सो जो ग्लैडियोलस है वो किससे प्रोपोगेट होती है, सकर से, कटिंग, कॉर्म्स या रनर्स, सो आपके जो ग्लैडियोलस है वो कॉर्म से प्रोपोगेट होता है, ठीक है, किससे प्रोपोगेट होता है, कॉर्म से प्रोपोगेट होता है। वहीं देखेंगे जो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस है इसको किसने दिया था, तो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस आपका जो है ये आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, देखो मल्टीपल से ही पता चल रहा है ना, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, ठीक है, पॉली का मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है, सो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाउ विच ट्रेनिंग सिस्टम इज एसोसिएटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ग्रेप्स, ठीक है, कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम जो है एसोसिएट करता है ग्रेप्स के साथ, वो है आपका वाइट रिलीज सिस्टम, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिनोमेना ऑफ हाइडिंग इंसेक्ट एट टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर में अगर कोई इंसेक्ट छुपता है तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, दैट इज योर एस्टिवेशन,
ठीक है, जो आप देखा होंगे आपने जो आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो छुप जाते हैं, तो वही आपका क्या होता है, सिमिलरली एस्टिवेशन होता है. वही हाइबरनेशन में भी देखा हो, ठंड की वजह से जो चले जाते हैं छुप जाते हैं, राइट. विच हु टोल्ड दैट वायरस इज अ कॉन्टेजियम वायरस फ्लैटम. ये वर्ड जो मतलब ये जो किसने ये चीज़ बोली थी, ये सिंपली बोल रहे हैं. सो याद रखना है कि यह आपकी चीज़ किसने बोली गई है, दैट इज़ योर बेंजरिक. ठीक है, बेंजरिक ने ये जो चीज़ है आपका ये सेंटेंस है बोला था, वायरस इज अ कॉन्टेजियम वायरस फ्लैटम. हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ये तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले डायरेक्टर कौन थे, IARI के. ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर बीपी पाल. इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि डॉक्टर बीपी पाल वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ योर ICAR. नाउ द फ्रूट ऑफ एडिबल बनाना इज सीडलेस. ठीक है, आपने पता होंगे कि बनाना के अंदर क्या रहते हैं, वो सीडलेस रहते हैं. तो किसकी वजह से उनके अंदर सीड नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी होती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं. मल्चिंग इज रिलेटेड टू, मल्चिंग से हम क्या करते हैं, चेक द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल. क्या चेक करते हैं हम उसमें से, इवेपोरेशन चेक करते हैं. कहाँ से चेक इवेपोरेशन फ्रॉम मॉइस्चर, इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर कहाँ से, फ्रॉम सॉइल. वहीं हम देखेंगे जो डाउनरी मिल्ड्यू फंगस है उसको डिस्कवर किया था, किसने किया था, एंटोन डी बेरी ने. जो आपका इसको फंगस है डाउनरी मिल्ड्यू का फंगस, उसे डिस्कवर किया था. डाउनरी मिल्ड्यू फंगस वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन डी बेरी. सोडियम नाइट्रेट कैसा है, एल्केलाइन फर्टिलाइजर, एसिडिक, न्यूट्रल, ये किस तरीके का फर्टिलाइजर है. तो याद रखना सोडियम नाइट्रेट इज योर एल्केलाइन फर्टिलाइजर. ओके, नाउ व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पंजेंसी ऑफ चिली. चिली के अंदर पंजेंसी किसकी, कौन से मेन इंग्रेडिएंट की वजह से आती है, दैट इज कैप्सेंसिन. कैप्सेंसिन की वजह से, आपने सुना होगा कैप्सेंथिन. ठीक है, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होता है, आपने देखा होगा. ठीक है, एक आपके पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, जिसमें आप मतलब पर्टिकुलरली आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए हो गया, या आपके पंजेंसी के लिए हो गया. ठीक है, तो जिसमें सिन की साउंड आ रही हो, कैप्सेंसिन, खा मिर्च खा के सिन लगता है ना, तो याद रखना दैट इज योर कैप्सेंसिन इज फॉर योर पंजेंसी. ठीक है ना. वहीं सल्फर आप देखोगे तो आप जो आपके ऑयल सीड्स वगैरह हो गए उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये आपके रहते हैं. नाउ ऑन इंसेक्टिसाइड कंटेनर साइन ऑफ ब्लू ट्राइंगल इंडिकेट. आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट साइंस आपके होते हैं कलरफुल, यानी ब्लू, रेड, येलो. ठीक है, तो अगर आपका देखोगे आप किसी कंटेनर में जो आपका ट्राइंगल है उसमें ब्लू कलर अपने फिल है, तो उसका मतलब कैसा होता है कि वो पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा, लेस पॉइजनस है, मीडियम या हाईली. तो ब्लू होगा तो मतलब मॉडरेटली या मीडियम वो आपका पॉइजनस है. द कलर ऑफ डिफरेंट सॉइल वेरीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. ठीक है ना, जो कलर है आपके सॉइल का वो वेरीज करता है किस चीज़ की वजह से, सल्फर, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल या मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर. सो यानी याद रखना जो सॉइल है, सॉइल का कलर वेरी करता है किसके बेसिस में, एक तो आपके मिनरल, दूसरा आपका ऑर्गेनिक मैटर के बेसिस पे. ओके, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी. नाउ इन 1846 फेमाइन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो फिमाइन आया था 1846 में, वो किसकी वजह से आया था, लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑप्शन नंबर सी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शेल बी अफेक्टेड फर्स्ट अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन. सबसे पहली चीज़ कौन सी अफेक्ट होती है जब आपका वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, उसके अंदर ट्रांसपिरेशन अफेक्ट होता है, या आपका क्या देखने को मिलता है आपको. ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अफेक्टेड अंडर द वाटर स्ट्रेस कंडीशन. ठीक है, अगर कि बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, यानी वहाँ पर वाटर नहीं है आपका. ठीक है, जहाँ पे वाटर की स्ट्रेसिंग प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हुई दिखेगी, ट्रांसपिरेशन इफेक्ट होगा, या प्रोटीन का सिंथेसिस इफेक्ट होगा, या आपका फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा, या फिर सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन. तो याद रखना जो आपका सबसे पहले इफेक्ट होता है वो है सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन. ठीक है ना, सेल डिवीजन एंड आपके एलोंगेशन जब आपका कैसे वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो जाएगी. ठीक है, तो वो आपकी सयातिस पे ज़्यादा इफेक्ट होती है. वहीं हम नेक्स्ट देखें आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉलीफ्लावर सीड इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, सबसे ज़्यादा सुटेबल प्लेस कौन सा है आपका, किस चीज़ के लिए, हिमाचल प्रदेश में अगर आपने कॉलीफ्लावर का सीड प्रोडक्शन करना होता है, तो सबसे जो मोस्ट सुटेबल प्लेस है वो कौन सा होता है, दैट इज़ योर स्प्रून वैली, ऑप्शन नंबर बी. ओके,
वहीं हम देखेंगे बंगाल फेमाइन जब कब आया था आपका, सबसे पहले 1943 में आया था। किस चीज़ की वजह से आया था? रस्ट ऑफ वीट की वजह से, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या हेलिमेंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट ऑफ राइस, या ऑल ऑफ दीज। सो जो आपका बंगाल फेमाइन है ये 1943 में आपका देखने को मिला था। ओके सो जो बंगाल फेमाइन है ये 1943 में आपका आया था, किसकी वजह से? याद रखना, जो आपका हेलिमेंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट है राइस में, ठीक है, इसकी वजह से क्या आया था? बंगाल फेमाइन आया था किस टाइम पे? 1943 में आया था। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमिना जो ऑब्जर्व किया था, ये आपका किसने किया था? टैशन मार्क ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है जो किन्नू मैंड्रिन है, ठीक है, किन्नू मैंड्रिन को डेवलप किसने किया था? दैट इज योर H.B. फ्रोस्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो किन्नू मैंड्रिन है ये आपको किसने डेवलप किया था? H.B. फ्रोस्ट ने डेवलप किया था। नाउ ईयर कॉकल डिजीज़ जो है, सबसे पहले तो याद रखना, जो आपकी ईयर कॉकल डिजीज़ है ये वीट की डिजीज़ है, एंड ये होती किसकी वजह से है? दैट इज़ योर एंग्यूना ट्रिटिसी, ऑप्शन नंबर ए। किसकी वजह से होती है? एंग्यूना ट्रिटिस है। ओके, नेक्स्ट है सुटेबल प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल का जो सुटेबल आपका मेजर है वो कौन सा है? दैट इज़ योर इंटीग्रेटेड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो कौन सा पैरासाइट है वो क्या है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की कौन सी इसमें से पैरासाइट है, ठीक है ना? तो सिल्क वॉर्म के अंदर कौन रहती है? दैट इज टिनेरिया कैरिकेई, ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर क्या नहीं मिलती है? सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती है, नर्वस सिस्टम या लिवर। तो याद रखना, इंसेक्ट के अंदर क्या नहीं देखने को मिलता है? लिवर नहीं देखने को मिलता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगर आप देख, आप जितने भी हमारा कोर्स है, जैसे कि आपका IBPS EFO का जो कोर्स है उसको अगर आपको अवेल करना है या लेना है, तो उसके लिए आपको जो पूरा प्रॉपर स्टडी मटेरियल है विद द क्वेश्चन बैंक, ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको 50 फुल लेंथ के टेस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ है जो पूरी, उसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स हैं एंड आपका जो इंटरव्यू गाइडेंस है ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपको पूरा IBPS EFO का मेंस प्लस इंटरव्यू ये आप कवर कराएंगे, ठीक है, इस कोर्स में आपको जो है ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, एंड ये सिर्फ आपका दैट इज़ योर 1499 रुपीज़ का ये कोर्स मिलेगा। इस अगर आपको ये कोर्स लेना है तो इसके लिए आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप कॉल करके कॉल वर्क करके आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? जितने भी आपके अगर कोई क्वेरी है या कोई इंक्वायरी आपने करनी है, कुछ भी चीज़ पूछनी है, ठीक है, सो आप यहाँ पर यह है आपका नंबर, इस पर कॉल करके पूछ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, या लॉ ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इस लॉ को किस नाम से हम जानते हैं? याद रखना, लॉ ऑफ रिटर्न के नाम से, लॉ ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, और लॉ ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। जो लूज स्मट है, सबसे पहले तो लूज स्मट किसकी डिजीज़ है? वीट की डिजीज़ है, एंड ये आपको किसकी वजह से देखने को मिलती है? दैट इज़ योर इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइंग मार्थोलिज्म प्रडिक्शन फॉर बिगनिंग बाउल ऑफ बिकम द ब्रेक ब्रेड ब्रेकफास्ट इन साउथ एशिया, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? तो वो हैं आपके, दैट इज़ नॉर्मल बॉर्लॉग, ठीक है। प्लांट डिजीज स्प्रेड ऑन अ लार्ज एरियाज विद अ ग्रेटर लॉस, ठीक है, जो आपके लार्ज एरिया में कोई डिजीज स्प्रेड हो जाए, ठीक है, लार्ज एरिया में कोई डिजीज स्प्रेड हो जाए और बहुत ज़्यादा लॉस कर दे, तो वो आपकी होती है एपिडेमिक डिजीज, ठीक है ना। वहीं अगर आप देखोगे एंडेमिक, जो आपका पर्टिकुलर हर एक सीजन में आपकी, जो आपकी पर्टिकुलर हर मतलब कि हर एक ईयर में, वंस इन अ ईयर वो डिजीज़ आती ही आती है, एपिडेमिक मतलब एंडेमिक होती है, और जो हर सीजन में आपकी आती है वो एपिडेमिक आपको देखने को मिलती है, जो बहुत ज़्यादा लॉस भी करती है, ठीक है ना, तो वो आपकी इस तरीके की डिजीज होती हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आपको फाइंड आउट करना है इसमें से करेक्ट जो है ऑर्डर। देखो इसमें आपका जो लेपिडोप्टेरा है ये मॉथ्स है, डायप्टेरा मॉस्किटो, हाइमनोप्टेरा हनीबी, एंड कॉरियोप्टेरा बीटल, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आपके सामने सामने इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आपके मैच होंगे। नाउ स्ट्राइकिंग स्मट इज ऑल्सो नोन एज, जो स्ट्राइकिंग स्मट है इसे आप किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसको बोलते हैं हिल बर्ड, ऑप्शन नंबर बी।
वहीं अगर आप देखोगे दैट इज़ योर मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर चिली ट्रांसप्लांटिंग, चिली को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो बेस्ट सुटेबल टाइम है किस टाइम पे, फ्रॉस्ट अफेक्टेड एरिया, ठीक है, फ्रॉस्ट से कोई अफेक्टेड हो रखा है एरिया, उस एरिया में अगर आपको चिली ट्रांसप्लांट करना है तो किस टाइम पे करोगे, दैट इज़ योर मई टू जून, मई से जून तक आप उसे क्या करोगे, ट्रांसप्लांट करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट कराने के लिए, ठीक है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज केराटिनॉइड, फाइटोक्रोम, राइबोफ्लाविन, ऑल ऑफ दीज, सो दैट इज योर फाइटोक्रोम। ओके, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सीड को क्या कराने के लिए, जर्मिनेट कराने के लिए। ओके, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, सो दैट इज योर फाइटोक्रोम। नाउ रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ ओनली वन फूडर इन बिटवीन टू रोज ऑफ वाइडली स्पेस्ड फास्ट ग्रोइंग ट्री, या ग्रोइंग ऑफ पास्चर इन बिटवीन टू स्पेस्ड रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्री, ठीक है, या फिर ग्रोइंग ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्री, ठीक है, हम तो आपके ट्रीज के बीच में क्या लगाते हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपकी होती है रिले, मतलब दैट इज अ रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इफेक्टिव फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप इन एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है वो है आपका कौन सा है, दैट इज़ योर रॉक फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट है ना, रॉक फॉस्फेट आपका मोस्ट जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिक सॉइल के लिए वो रॉक फॉस्फेट है। रस्ट फंगई जो होती है वो कैसी होती है, दैट इज पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है विच वीड इज जनरली यूज टू किल दी वीड्स ऑफ ब्रॉड लीव्स, ठीक है, ब्रॉड लीव्स जो आपकी चौड़ी पत्तियाँ हैं इनकी जो आपकी वीड्स होती हैं, ठीक है ना, ब्रॉड लीव्स वाली वीड्स को किल करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो 240, ठीक है ना, दैट इज 240 का आप क्या करोगे, यूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर ए। वही हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ योर द प्रोसेस अंडर विच जीन डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, किस प्रोसेस में जो जीन है वो क्या नहीं शो करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं, वो कौन सी प्रोसेस है आपकी, दैट इज योर हेरिटेबिलिटी, ठीक है, हेरिटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब आपके जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिंकेज में क्या होता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो नहीं होता है, जीन्स क्या करते हैं मतलब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, द प्रोसेस इन द विच द जीन्स डू नॉट शो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नोन एज योर लिंकेज। नाउ विच टाइप ऑफ अनियन वेराइटीज हैव अ गुड स्टोरेज कैपेसिटी, कौन सी वेराइटीज जो है अनियन की जिनके अंदर क्या होती है जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, गुड होती है, तो वो कौन सी वेराइटीज़ हैं आपकी, दैट इज़ योर जिनकी मतलब जिनको आप ज़्यादा समय तक क्या करते हो स्टोर करके रख सकते हो, तो वो है आपकी रेड कलर्ड, रेड स्किन की जो वेराइटीज़ होती हैं उनको आप क्या करते हो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ प्योर लाइन, प्योर लाइन को डेवलप करने के लिए कितने साल लगते हैं, सो 9 से 10 साल, 9 से 10 years आपके अगर आपको प्योर लाइन डेवलप करनी है तो लग जाते हैं। विच मैथड इज़ यूज फॉर द सीड प्रोडक्शन ऑफ कैबेज, कैबेज का सीड प्रोडक्शन करना है आपका तो कौन सा मैथड आप लगाओगे, हेड टू सीड या हेड इंटेक्ट मैथड, स्टम्प मैथड, सो ऑल मैथड से आप क्या कर सकते हो कैबेज के अंदर सीड प्रोडक्शन कर सकते हो। ओके, वहीं हम नेक्स्ट अगर देखें, दैट इज़ योर पॉलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलीप्लॉइडी, आप किससे देखते हो ना क्रोमोजोम्स के नंबर जब आपको क्या करने होते हैं इंक्रीज या डिक्रीज, तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो पॉलीप्लॉइडी के थ्रू, पॉलीप्लॉइडी में होता है वो आप कोलचिसिन के थ्रू क्या कर सकते हो इंड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट, अगर आपने स्टेट में से फाइंड आउट करना है जैसे मेज, ठीक है, मेज में क्या होगा आपका बेसिकली, दैट इज हेलिमेंथोस्पोरम लीफ ब्लाइट, पोटैटो के अंदर क्या लगता है अर्ली ब्लाइट, चिली में क्या लगेगा आपका दैट इज एंथ्रैक्नोज, एंड आपका वीट में क्या लगेगा लूट स्मार्ट, ठीक है, सो ये आपके थे ऑप्शंस, आप इसके अकॉर्डिंगली ने मिला लेना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट कम्युनिटी, ठीक है, कौन सा वाटर अवेलेबल होता है प्लांट कम्युनिटी में के लिए, मतलब कौन सा वाटर आपका अवेलेबल होता है, परकोलेटेड, ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक है अवेलेबल, तो याद रखना अवेलेबल वाटर जो होता है ये अवेलेबल होता है प्लांट कम्युनिटीज के लिए। इन इंडिया हाई परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया इज कवर्ड बाय राइस, ठीक है, जो हाई परसेंटेज एरिया है राइस से बहुत ज़्यादा वो कवर है, ठीक है, सो वो आपका राइस इज अडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द लैंड,
एंड एग्रो क्लाइमेट, क्योंकि राइस जो है बहुत सारे लैंड में अडोप्टेड है और एग्रो क्लाइमेट में अडोप्टेड है, या कैन बी ग्रोन इन अफेक्टेड सॉइल, अफेक्टेड सॉइल में इजिली ग्रो हो जाता है, या एडुकेट रेनफॉल है इसलिए वो होता है, या लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ राइस ईटिंग, या आपकी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की वो कैसी है, राइस ईटिंग है। तो यहाँ पे जनरली जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्ड एरिया है उसके अंदर आप क्या क्या करते हो, राइस को ग्रो करते हो, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो कैसी है, राइस ईटिंग है। ओके, राइस ईटिंग नहीं, दैट इज देयर इज एडुकेट रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो एडुकेट होती है। नाउ फर्स्ट इरीगेशन टू अ वीट क्रॉप इज डन एट, सबसे पहला इरीगेशन अगर आपको वीट के क्रॉप में देना होता है तो वो कौन से स्टेज पे देते हो, दैट इज CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। ब्रेड वीट कैसा वीट है आपका याद रखना, दैट इज योर हेक्साप्लॉइड, इंपॉर्टेंट है ये तो सबको पता होता है कि जो ब्रेड वीट है वो कैसा है, हेक्साप्लॉइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोट्रॉप पैथोजन, बायोट्रॉप पैथोजन कौन सा है आपका, रस्ट फंगई या वायरस या पाउडरी माइल्ड्यू या ऑल ऑफ द अबव। सो बायोट्रॉप पैथोजन कौन सा है, रस्ट फंगई भी है, वायरस भी है आपके यहाँ, पाउडरी माइल्ड्यू भी है। नाउ विच ट्रेनिंग सिस्टम इज कंसिडर द मोस्ट सुटेबल, सबसे सुटेबल ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, दैट इज मॉडिफाइड लैडर सिस्टम, आपका जो सबसे जो मोस्ट सुटेबल सिस्टम है ट्रेनिंग का वो है मॉडिफाइड लैडर सिस्टम। बेसिडियोमाइसिटीज कैसे होते हैं आपके बेसिकली, तो ये आपके होते हैं हेटेरोथेलिक, ऑप्शन नंबर बी। नॉरिन 10 क्या है आपका, ड्वार्फ वाइट व्हील है, लॉन्ग वाइड लॉन्ग वीट वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड राइज है या नॉन, तो ये आपका जो है ड्वार्फ आपका वीट है, ठीक है, ड्वार्फ वीट की जो वो है वो आपका नॉरिन 10 है। ट्रिटिकेल कैसा क्रॉस है आपका बेसिकली, तो याद रखना दैट इज योर इंटर, दैट इज इंटरजेनरिक क्रॉस। ट्रिटिकल कैसा है, इसमें दो अलग अलग जो है जेनेरा के बीच क्रॉस हुआ था इसलिए क्या है, इंटर जेनेरिक क्रॉस है। फर्स्ट टाइम जो करनाल बंट रिपोर्ट हुआ था इंडिया में वो किसने किया था, मित्रा ने किया था, जो कहाँ से थे, करनाल से थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी। फ्रूटिंग जो होती है एप्पल के अंदर वो कहाँ पे होती है, जो आपके होल प्लांट में या ओल्ड ब्रांचेस में या न्यू फ्रूटिंग स्पर्स में या वाइल्ड एप्पल, सो जो न्यू फ्रूटिंग स्पर्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है आपकी फ्रूटिंग देखने को मिलती है, किसमें, एप्पल के अंदर। एंथेसिस का जो फिनोमिना है वो कहाँ पे होता है, जब फ्लावर्स एप्पल हो जाते हैं, जब फ्रूट ड्रॉप्स हो जाता है या पॉलिनेशन के बाद, तो जब आपका एंथेसिस होता है, एंथेसिस कहाँ पे होता है, एंथेसिस इज अ फिनोमिना वैन क्या, जब आपका क्या होता है फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, फ्लावर्स का जो सब ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथेसिस बोलते हैं। सबसे पहली ओपनिंग जो होती है किसी भी फ्लावर की, जो फर्स्ट ओपनिंग होगी ना, सबसे पहले जो फ्लावर खुलता है, दैट इज योर एंथेसिस। तो व्हेन फ्लावर ओपन फर्स्ट इज द फिनोमेना ऑफ एंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मॉलिब्डेट, दैट इज मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का जो सोर्स है वो कौन सा है, सोडियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट, मॉलिब्डेट सल्फेट या ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर डी। जो पुअर फ्रूटिंग होती है लोकट में वो किसकी वजह से होती है, दैट इज योर लोकट के अंदर सबसे याद रखना, जो फ्रूटिंग होती है वो कैसी होती है, पुअर होती है, वो किसकी वजह से होती है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, किसकी वजह से देखने को मिलती है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से क्या देखने को मिलती है, जो फ्रूटिंग है वो कम देखने को मिलती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो डिस्कवर्ड किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मियोसिस डज नॉट अकर इन, मियोसिस किसमें नहीं होता है, तो एपिकल सेल्स जो होती है इनके अंदर क्या देखने को नहीं मिलता है, मियोसिस देखने को नहीं मिलता है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फंगई दैट ड्रॉन दियर नरिशमेंट, ठीक है, फंगई का सेकेंड पार्ट जहाँ से क्या होता है वो क्या करती है, अपना नरिशमेंट लेती है, ठीक है, जहाँ से वो क्या करिए अपना अपना भोजन या अपना फूड वगैरह वो ले रही है, नरिशमेंट ले रही है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर क्या बोलेंगे, हिस्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी। टर्मिनल मार्केट्स आर फाउंड इन, जो टर्मिनल मार्केट्स हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, तो जो लार्ज सिटीज या सी पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे आपको टर्मिनल मार्केट देखने को मिलती है। वॉट आर द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इरीगेशन का लो है, डिपेंडेंस वो पूरी तरीके से रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होना, डेबिट नेट स्किन इंडियन फार्मर की, ठीक है, तो ये सारे ही फैक्टर क्या होते हैं आपके इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स है। एप्पल जो जनरली प्रोपोगेट होता है वो शील्ड बडिंग से, बेंच टेरिस ग्राफ्टिंग या फिर टंग ग्राफ्टिंग, तीनों से ही हो जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी। द लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट फंगई इन विच ऑल फाइव स्टेजेस आर फाउंड, ठीक है, कौन वो जो लाइफ साइकिल रस्ट की इसमें पाँचों स्टेजेस जो है दिखाई देती हैं उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो साइकिल या फिर लॉन्ग साइकिल। करनाल बंट जो है वीट का, सबसे पहले तो करनाल बंट किस में होता है, वीट में होता है, किसकी वजह से होता है, निवोसिया इंडिका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी,
दैट इज एंटोन डी बेरी. ठीक है, पैथोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, एंटोन डी बेरी है. जो मेजर बायोटेक कॉन्स्टेंट है लो पल्स प्रोडक्शन का वो क्यों है, क्यों मतलब कि जो जो पल्स का प्रोडक्शन है वो लो होता है किसकी वजह से, लो यील्डिंग वैरायटी या इंसेक्ट पेस्ट या डिजीजेस. ठीक है, तो ये इन तीनों की ही वजह से जो है आपका पल्स का प्रोडक्शन वो लो हो जाता है. यील्डिंग वैरायटीज़ जो है आपने ऐसी वैरायटीज़ लगाई जिनकी जो यील्ड है वो कम हो, इंसेक्ट पेस्ट उसमें लग जाएँ या डिजीजेज उसमें हों. ओके, वाटर मूवमेंट थ्रू सॉइल कॉलम इज नोन एज परकोलेशन, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, वाटर का मूवमेंट कोलम्स में होना उसे हम क्या बोलेंगे, परकोलेशन बोलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ कैटल, कैटल की इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, दैट इज रिंडरपेस्ट, फूड एंड माउथ डिजीज या ब्रुसेलोसिस. सो वो है ऑप्शन नंबर डी. ना हिपोनेस्टी रेफर्स टू, हिपोनेस्टी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ इज लेस ऑन लोअर सर्फेस. ठीक है, जो लोअर सर्फेस है, लोअर सर्फेस ऑफ लीव्स में, उसमें क्या होती है, ग्रोथ लेस होती है. नाउ ब्रांचिंग का मतलब तो पता है ना आपको, जब वहाँ पे आप पास्चर या अपने जो भी आपके एनिमल्स होते हैं उनको ग्रेजिंग वगैरह कराते हो, ठीक है, वो लैंड उसको ग्रेजिंग मतलब रैंचिंग बोलेंगे. प्योर लाइन थ्योरी को प्रपोज किसने किया था, दैट इज योर जॉनसन. ठीक है, जॉनसन जो थे इन्होंने जो प्योर लाइन थ्योरी है उसको प्रपोज किया था. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कुकुरबिटा मॉस्चाटा, ये किसका नेम है आपका, तो दैट इज योर पंपकिन. ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो ये थे आपके आज के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. टू मोर क्वेश्चंस रहते थे जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था. ओके, सो इस वजह से वो नहीं है, बाकी आपके 98 क्वेश्चंस कम्प्लीटली हमने करा दिए हैं. ठीक है ना, सो ये आपका जो आपका हिमाचल का एडीओ का एग्जाम था वो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है. ठीक है, एंड ये एग्जाम आपका 6 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था. ओके, सो ये था आपका आज का लेक्चर. आई होप जितने भी क्वेश्चंस रहे होंगे आपको आंसर्स मिले होंगे. ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं आप देख सकते हो. ठीक है ना, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस इज योर एग्रीकल्चर एंड जीके.